हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे। रमादान स्टार्ट होने वाला है तो आप सभी लोगों को रमादान की ढेर सारी मुबारकबाद। मैंने अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए कोशिश की है कि मैं कुछ इजी एंड सिंपल रमादान स्पेशल रेसिपीज़ लेकर आऊं, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो पुट टुगेदर की है आप सभी लोगों के लिए। होप करती हूँ आपको ये इजी एंड सिंपल रेसिपीज़ पसंद आएंगी। अगर पसंद आएंगी तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड मैंने किसी भी रेसिपी में कहीं ऑथेंटिसिटी मिस की हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है कि मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ मीठा बनाते हैं। मैं बना रही हूँ शीर खुरमा और इसके लिए मैंने हेवी बॉटम पैन लिया है। उसके अंदर हम मिल्क ऐड कर देंगे और चलाते चलाते दूध को बॉईल कर लेंगे। जब दूध बॉईल हो जाएगा उसके अंदर मैंने केसर वाला दूध भी ऐड कर दिया है उस प्यारे से येलो कलर के लिए। और बस चलाते चलाते हमको दूध को अच्छे से काढ़ना है और जब दूध रिड्यूस होने लगेगा तब इसके अंदर मैं ये वर्मिसली ऐड कर दूंगी। मेरे पास ये रोस्टेड वर्मिसली थी, अगर आपके पास अनरोस्टेड वाली है तो आप उसे घी में सेक के भी इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और अब साथ में दूध और वर्मिसली कुक होता रहेगा और बस ये स्टेप थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ट्रस्ट मी एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इसका। तो बस दूध देखिए गाढ़ा हो गया है और खीर का फॉर्म इसने ले लिया है। तो इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी का कोई मेजरमेंट नहीं होता, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्वीटनेस लेवल के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। तो मैंने जितना वर्मिसली लिया था उतना ही शुगर लिया है, ऐड करा है इसके अंदर। और बस चीनी ऐड करके और थोड़ा सा मैं इसे चला लूँगी। उसके बाद इसमें मैं मिक्स्ड नट्स ऐड कर रही हूँ, पिस्ताचियो, आलमंड्स एंड थोड़े से मैंने इसके अंदर काजू ऐड किए हैं। मेरे पास डेट्स नहीं थे, अगर आपके पास डेट्स हैं तो वो भी ज़रूर ऐड करिएगा क्योंकि ऑथेंटिक रेसिपी में डेट्स भी ऐड किए जाते हैं। और बस इसे थोड़ी देर और मैं इस तरीके से कुक होने दूंगी, उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे सर्व करने के लिए। तो बस सर्व करने की बारी है, ऊपर से थोड़ा सा हम इसे ड्रेस कर लेंगे अपने फेवरेट नट्स के साथ और ये हमारी लाजवाब जायकेदार खीर खुरमा रेडी है। तो चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, जो है शाही ऑमलेट। तो शाही ऑमलेट बनाने के लिए यहाँ पे हम बाउल में ले रहे हैं 2 eggs, उसमें थोड़ा सा हम मिल्क ऐड करेंगे, इससे ऑमलेट बहुत फ्लफ़ी बनेगा। उसके अंदर हमने थोड़ा सा अनियन, ग्रीन चिली और थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऐड कर लिया है, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, जीरा, थोड़ा सा किचन किंग मसाला ऐड करके इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे। और मसाले आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने एक अंडा बॉईल कर लिया था, उसको भी मैं इस तरीके से पीसेस में कट कर लूँगी। तो पैन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है घी से, उसके अंदर हमने ये बीटेड एग्स ऐड कर दिए हैं, डाल दिए हैं। और उसके बाद जब थोड़ा सा ये कुक हो जाएगा 2 मिनट बाद एक साइड से, तब हम ये बॉइल्ड एग भी इस तरीके से इस पर स्प्रेड कर देंगे। और स्प्रेड करने के बाद फ्लेम को एकदम लो पे करके इसे कवर करके हम कुक करेंगे फॉर गुड 4 to 5 minutes। और देखिए ये एक साइड से कुक हो चुका है। अब हम बॉइल्ड एग पे थोड़ा थोड़ा घी और ऐड कर देंगे और इसको पलट के फिर थोड़ा सा प्रेस कर करके सेकेंगे। तो ये देखिए हमारा शाही ऑमलेट एकदम रेडी है। इस पे थोड़ा सा हम चाट मसाला स्प्रिंकल कर रहे हैं और इसको सर्व करेंगे ब्रेड स्लाइस के साथ, या जो भी टॉपिंग आप रखना चाहें उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, जो है वाटरमेलन लस्सी। समर्स का टाइम है, पानी की प्यास लगती रहती है तो ये ड्रिंक आपको बहुत काम आएगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे वाटरमेलन कट करके रख लिया है और इसे हम डाल लेंगे ब्लेंडर में। साथ में यहाँ पे मैंने 2 इलायची को कूट लिया है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और वाटरमेलन का जूस बना लेंगे।
वाटरमेलन का जूस बनाने के बाद मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी जस्ट टू रिमूव द सीड्स। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप सीड्स रिमूव कर देंगे तो ये लस्सी आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसके बाद मैंने फिर से स्ट्रेन किया हुआ जूस ले लिया है ब्लेंडर में, साथ में मैंने इसमें दही ऐड कर लिया है, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी हनी, आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं, और इसको एक बार फिर से हम ब्लेंड कर लेंगे। और ब्लेंड करने के बाद ये लाजवाब ड्रिंक आपके लिए रेडी है। सर्व करिए, थोड़ा सा इसे टॉप करिए अपने फेवरेट नट्स के साथ, चिया सीड्स एंड ऑयल के साथ, जिससे कि आपको प्यास के साथ भूख भी ना लगे, क्योंकि चिया सीड्स फाइबर रिच होती हैं। तो इसमें मैंने थोड़े से पिस्ताचियोस, थोड़े से आलमंड्स टॉप कर लिए हैं, और ये लाजवाब सी ड्रिंक हमारे लिए एकदम रेडी है। समर्स में ये ड्रिंक आपको पीने में ना बहुत ज़्यादा लाजवाब लगेगी, तो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है तवा पुलाव। तवा पुलाव ये हमने थोड़ा सा अपने तरीके से बनाया है, तो यहाँ पे देख लीजिए हमने सब वेजीज को चॉप करके रख लिया है, अनियन, कैरेट, कैप्सिकम, पनीर, थोड़ा सा पालक, गोभी, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक, टमेटो, और साथ में मैंने थोड़ी सी फ्रोजन वेजीज भी ली हैं, बीन्स और पीस, आप चाहें तो जो भी आपके पास वेजीज है उससे आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने चावल को भी बॉईल करके रख लिया है, ऑलमोस्ट 70-80% कुक किया है, बिकॉज ये सब्जियों के साथ भी बाद में कुक होंगे। तो पैन में हमने घी ले लिया, उसमें डाला है एक बे लीफ, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा शाह जीरा भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास वो है तो। उसके बाद थोड़ा सा हमने हींग ऐड किया है, मस्टर्ड सीड्स ऐड किए हैं, और सारे मसाले को अच्छे से थोड़ी देर कुक होने देंगे। उसके बाद थोड़े से काजू, पीनट्स ऐड कर लेंगे क्रंच के लिए, और अब हम ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक और ग्रीन चिली भी। बस इस सारे मसाले को थोड़ा सा हम भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए, जिससे कि गार्लिक एंड जिंजर वगैरह का रॉ फ्लेवर चला जाए। उसके बाद हम ऐड करेंगे अनियन, कैरेट, गोभी, जो भी ये सब्जियां टाइम लगाती हैं ना कुक होने में, वो सब मैंने एक साथ ऐड कर दिए हैं, और थोड़ा सा हम नमक भी ऐड कर देंगे जिससे कि जल्दी जल्दी पकें। उसके बाद हमने थोड़ा सा कैप्सिकम ऐड कर दिया, पालक ऐड कर दिया, और सबको अच्छे से एक साथ हम सॉटे कर लेंगे। हमने अपने बॉइल्ड पीस और बीन्स भी ऐड कर दिए हैं, और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करके नमक भी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और जस्ट अ पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हमने इसमें किचन किंग मसाला, कोरिएंडर पाउडर और बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया है, और सारे मसाले को भी सब्जियों के साथ अच्छे से हम भून लेंगे कवर करके। तो देखिए हमारी सब्जियां ऑलमोस्ट कुक हो चुकी हैं, हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी है, अदरवाइज क्रंची नहीं रहेंगी सब्जियां। तो हमने टमेटो ऐड कर दिया, पनीर ऐड कर दिया, और साथ में चावल भी ऐड कर दिया, और वो थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर देने के लिए ना स्ट्रीट स्टाइल हम इसमें थोड़ा सा टमेटो केचप भी ऐड कर रहे हैं। और बस अपने लाइट हैंड से आप इसको इस तरीके से मिक्स कर लें, जिससे कि चावल टूटे भी नहीं और फ्लेवर भी सारा आपस में मिक्स हो जाए। और इसे 2-3 मिनट के लिए हम फिर से कवर करके छोड़ देंगे फ्लेम पे, और हमारा गर्मा गर्म पुलाव एकदम रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा टमाटर का और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास थोड़े से अवेलेबल थे तो मैंने थोड़ा ही यूज़ किया है, और इसे मैंने सर्व किया है चटनी और दही के साथ। तो चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, अगेन अ स्वीट रेसिपी, शाही टुकड़ा। उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे रबड़ी। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, जिसे मैं चलाते चलाते बॉईल कर रही हूँ, और जब ये दूध बॉईल हो जाएगा इसके अंदर मैं फिर से सैफ्रन का मिल्क ऐड कर दूँगी। मिठाइयों में आप चाहें तो थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं उस एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, बट मेरे घर पर इलायची का पाउडर किसी को भी पसंद नहीं है मिठाइयों में, इसीलिए मैंने नहीं ऐड किया है। अब यहाँ पे हमने ब्रेड ले ली है, मेरे पास ब्राउन ब्रेड ही अवेलेबल थी तो मैंने वही ली है, इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कट करके। आप चाहें तो ब्रेड के पीसेस को तल सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से तवे पे अच्छे से घी लगा के क्रिस्पी दोनों साइड से सेक लिया है इसको, जस्ट टू रिड्यूस अ लिटिल कैलोरीज। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे रबड़ी भी बनने को तैयार है, तो मैंने जब ये थोड़ा सा कडल होने लगा दूध, मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है, और थोड़ी देर हम इसे कुक कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा और गाढ़ा ना हो जाए। हमने अपने मिक्स नट्स पीस के अंदर ऐड कर दिए हैं, पिस्ताचियो, आलमंड्स, थोड़े से मैंने कट करके वॉलनट्स पीस में ऐड किए हैं, और ये अब असेंबल करने के लिए तैयार है एकदम रेसिपी। मैंने यहाँ पे ब्रेड पीसेस को इस तरीके से लगा लिया है, और ऊपर से हम डाल देंगे इसके ऊपर रबड़ी।
और ये रेसिपी ना जब आप बना लें उसके बाद फ्रिज में रखिएगा फॉर गुड हाफ एन आवर टू वन आवर, और ठंडी होने के बाद इसे सर्व करिएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये खाने में, और ऊपर से अपने फेवरेट नट्स के साथ ज़रूर इसे टॉप करिएगा। आई एम श्योर आपको ये क्विक सी स्वीट रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये। आई होप आपको ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आप इस तरीके की रेसिपी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो। एंड जो भी वीडियो के बारे में पसंद आया है कमेंट्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना चैनल को मत जाइएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड बिकमिंग द पार्ट ऑफ आर ब्यूटिफुल फैमिली। इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खाइए पिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय।